हेलो, मैं सरोज। टाइटल और थंबनेल देखकर के आप लोग समझ ही गए होंगे आज मैं किस बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ आज मेट्रोक साइकिल के गियर एडजस्टमेंट के बारे में। तो चलिए, गियर एडजस्टमेंट कैसे क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बढ़िया तरीका से आप लोग समझ लीजिए। यहाँ हम लोग सबसे पहले देख लेंगे डीलर में तीन स्क्रू होता है। तीन स्क्रू जो होता है किस काम पे कैसे लगता है, कौन सा स्क्रू किस काम पे लगता है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों का सबसे छोटा वाला गियर पे लगा हुआ है, जो हम लोग बोलते हैं 7 नंबर। आपके पास कौन सा फ्रीव्हील है ये मुझे नहीं पता। आपके पास अगर 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, तो सबसे छोटा वाला पे ही आप रखेंगे। कि सबसे छोटा वाला गियर पे रखने के बाद ही हम लोगों का गियर एडजस्ट होता है। ये नहीं कि हम 2 नंबर पे रख लिए, 3 नंबर पे रख लिए, 1 नंबर पे रख लिए, इसके बाद हम लोग गियर एडजस्ट किए, तो हम लोगों का गियर कभी एडजस्ट नहीं होगा। तो गियर एडजस्ट करने के लिए पहले सबसे छोटा नंबर पे यहाँ हम लोग रख लिए, तो सबसे छोटा वाला पे हम लोग रखेंगे। सबसे छोटा वाला मेरे पास तो 7 नंबर वाला है, तो इसीलिए 7 नंबर पे हम रख रहे हैं। और 7 नंबर पे यहाँ रखने के बाद हम लोग देख ले रहे हैं कि शिफ्टर में अपना है कि 7 नंबर पे है कि नहीं। तो शिफ्टर यहाँ आपका शिफ्टर में भी 7 नंबर पे है, तो 7 नंबर पे रखने के बाद ही हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर पे जब शिफ्टर पे भी है, अपना फ्री व्हील पर भी है, तो हम लोग सबसे पहला काम हम लोग करेंगे गियर एडजस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग इसको खोल लेंगे जिसपे हम लोग गियर वायर लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग खोल करके वायर हम लोग निकाल लेंगे। देख ही सकते हैं वायर मैंने निकाल लिया। तो अब जो हम पहले ही बताएं स्क्रू के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। स्क्रू के बारे में कैसे समझेंगे, क्या क्या समझेंगे, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आपका सामने यहाँ एक स्क्रू दिखेगा, ये स्क्रू होगा आपका चेन टाइट करने के लिए। चेन ऐसे टाइट होगा, इस स्क्रू को हम लोग टाइट करेंगे तो चेन इस तरीका से हम लोगों का टाइट होगा। तो जहां जिनका भी जितना जरूरत है उसको इस हिसाब से रखिए। और उसके बाद ये दो स्क्रू आता है, ये दो स्क्रू में आप लोगों को दिखेगा, एक पर लिखा हुआ होगा एल और एक के नीचे लिखा हुआ रहेगा एच। तो एच यानी हम लोगों का हो गया हाई और लो, एल का मतलब हो गया लो। स्क्रू कहाँ काम लगता है, लो स्क्रू लगता है सबसे ऊपर, ऊपर हम लोगों का हो गया 1 नंबर गियर, जो 1 नंबर है उस पर हम लोगों का लो स्क्रू काम में लगता है। और एच स्क्रू काम में लगता है हम लोगों का नीचे, जो हाई है। 7 नंबर हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे छोटा वाला 7 नंबर है, यानी हाई गियर पे हम लोगों का ये हाई एच वाला स्क्रू काम पे लगेगा। और लो स्क्रू वाला जो है ये अपना 1 नंबर पे काम में लगेगा। तो कैसे काम में आता है हम दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए, एच वाला स्क्रू को हम लोग अगर ज्यादा, जैसे कि हम अभी पैडल कर रहे हैं, जैसे कि हम पैडल कर रहे हैं, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, देखिए जैसे ही हम इसको लूज करेंगे, जैसे ही हम इसको लूज करेंगे तो क्या होगा अपना, जैसे ही हम लूज करेंगे तो क्या होगा कि चेन फ्रीव्हील और फ्रेम के बीच में आकर के ये फंसने लगेगा। तो इसको हम लोग का बराबर में टाइट होना जरूरी है। तो कहां हम लोगों का टाइट होता है ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, कुछ तो किए तो हम लोग। अतः चलिए हम लोग देख लेते हैं ज्यादा टाइट करने से क्या होता है, ज्यादा टाइट करने से क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम टाइट कर रहे हैं अभी, तो देख ही सकते हैं 6 नंबर पे हम लोगों का आ चुका है। तो इसको क्या है, मेन काम ये हम लोगों का हाई गियर पे इसको लॉक करना मेन काम है इसका। ये जो स्क्रू है हाई वाला, एच वाला, तो इसका मेन काम है इस पे ही लॉक करना, कि इसके नीचे ना जाए, इसके ऊपर ना जाए। तो इसीलिए हम लोग इसको प्रॉपर एडजस्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग इसको लूज करेंगे, लूज करके इसको देखना है पैडल घुमाते हुए। जैसे कि देखिए अभी भी नहीं आ रहा, तो आने के बाद ऐसा साउंड कर रहा, तो थोड़ा सा और लूज होगा। तो हम लोग इसको लूज करके देख लेंगे कि देखिए हम लोगों का जो है साउंड बंद हो चुका है, अब कुछ साउंड नहीं आ रहा जो 7 नंबर पे हम लोगों का रुका हुआ है। तो चलिए आगे और भी इसका काम है, कैसे क्या काम होता है इसका दिखा देते हैं। तो आप समझ लेते हैं 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला जैसे कि हम इसको हाथ से अगर प्रेशर देंगे, इसको अगर हाथ से हम लोग प्रेशर देंगे ऐसे करके, तो देखिए हम लोगों का एक की तरफ जा रहा है, तो एक की तरफ जा रहा है, एक की तरफ अभी लॉक है क्योंकि स्क्रू सही से एडजस्ट किया हुआ। इसको अगर हम लोग ज्यादा लूज करेंगे, इसको अगर ज्यादा लूज करेंगे तो क्या होगा कि ये फ्रीव्हील और जो व्हील है उसका बीच में जाने के लिए खोजेगा, देखिए ऐसे करके, और जा करके स्पोक में टकराएगा डीडलर और डीडलर टूट जाएगा। तो इसको हम लोगों को प्रॉपर एडजस्ट भी, ये स्क्रू को भी हम लोगों को प्रॉपर एडजस्ट रहना जरूरी है। तो किस हिसाब से जरूरी है देख लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं। जैसे कि यहां पे हम लोग इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे क्योंकि हम लोग लूज किए थे,
लूज करने के बाद ऐसे हाथ से प्रेशर रखेंगे तो देखिए हम लोगों का एक एक के ऊपर नहीं जा रहा है। और तो अब पहले गियर वायर लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्क्रू एडजस्ट प्रॉपर तरीका से करेंगे, क्योंकि जब तक गियर वायर लगाएंगे नहीं तब तक हम लोगों का स्क्रू एडजस्ट होगा नहीं। हम आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि यार समझाने के लिए स्क्रू एडजस्ट पहले किए, जैसे कि ये लो वाला स्क्रू है, ये सबसे बड़ा वाला गियर को लॉक करने के लिए कि उसके अंदर ना जाए और इधर ना आए, और एच वाला जो स्क्रू है सबसे छोटा वाला जो गियर है यानी हाई गियर उसको लॉक करने के लिए कि ताकि चेन जो है अपना इस साइड नहीं आए। तो चलिए हम लोग गियर एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले ही खोल दिए थे गियर वायर खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बैरल एडजस्टर को फुल्ली हम लोग टाइट कर लेंगे। सबसे पहले जितना टाइट होता है उसको टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेने के बाद क्या करेंगे, दो थ्रेड ही हम लोग इसको ढीला करेंगे। जैसे कि देख लीजिए मेरा हाथ कैसे घूम रहा है, एक दो, हम लोग दो ही थ्रेड इसको घुमाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, गियर वायर को ऐसे पकड़ेंगे, इसको पुश नहीं करेंगे, पुश करके हम आपको टाइट करके दिखा देते हैं। इसको पुश करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, जो है गियर 6 नंबर पे चला जाएगा। देखिए पुश करके हम लोग टाइट किए तो ये 6 नंबर पे जाने के लिए खोज रहा, देख ही सकते हैं। इसको हम लोग पुश नहीं करेंगे तो इसको क्या करेंगे, फिर से वापस से ढीला करेंगे। वापस से ढीला करने के बाद जो है फिर एक बार पैडल मारेंगे, साउंड कुछ नहीं आ रहा। हम लोग गियर वायर को सिर्फ पकड़ेंगे, या अगर आप लोगों के पास प्लस है, प्लस रहे तो बेटर है, सबसे प्लस को ऐसे पकड़ेंगे, गियर वायर को ऐसे करके बैठाएंगे, प्लस पकड़ के जितना हो सके इसको वायर को खींचने के बाद फिर नट को हम लोग टाइट दे दिए। फिर हम लोग गियर चेक करेंगे। शिफ्टर से बदलेंगे, एक के बाद एक स्टेप चेक करेंगे। फिर हम लोग जो है एक के ऊपर अगर चला गया है, फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ से शिफ्टर को प्रेस करके देखेंगे, ताकि अंदर, ये तो अंदर नहीं ना जा रहा है, ये अगर हम लोग अंदर जाए तो आपको स्क्रू के बारे में हम समझा ही चुके हैं कि अगर कैसे लॉक करना है। उधर जाए तो स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करना है, अगर उधर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लो वाला को टाइट करेंगे। फिर हम लोग नीचे लेके आएंगे एक बाय एक करके, एक और एक करके लेके आएंगे। आने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये गियर जो है अपना नीचे की तरफ नहीं ना आ रहा है चेन, तो हम लोग फिर पैडल चलाकर चेक कर लेंगे। फिर चेक करेंगे, जैसे देखिए हम लोगों का गियर चढ़ने में थोड़ा सा स्लो हो रहा है गियर चढ़ने में, और साउंड भी कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोगों का जो है फिर नीचे लाना पड़ेगा, गियर वायर जो है थोड़ा सा हम लोगों का लूज है, तो बैरल एडजस्ट से थोड़ा सा ही एक थ्रेड टाइट करेंगे हम लोग। जैसे दो थ्रेड हम लोग टाइट किए थे पहले, वैसे ही एक थ्रेड और टाइट करेंगे। एक टाइट करने के बाद फिर चेक करेंगे, देखिए हम लोगों का गियर सेट हो चुका है। अब हम लोगों का साइकिल जो है चलने के लिए रेडी है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग गियर एडजस्टमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही कुछ नया नया वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और मेरा चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट कीजिए, तभी जाकर के मैं मोटिवेट होता रहूंगा और आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाते रहूंगा।